गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रजनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू मटर टमाटर की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने दो बड़े आलू लिए हैं, दो मुट्ठी मटर के हैं, दो बड़े टमाटर हैं और चौक के लिए एक बड़ा प्याज है, 5-6 कली लहसुन की हैं और 2 छोटी हरी मिर्च हैं। मसाले में मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा चम्मच से भी कम गर्म मसाला है, 2 चम्मच धनिया पाउडर है, 1 बड़ा चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच जीरा है। आइए चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। जीरा भुन गया है अच्छे से, अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी, कटी हुई हरी मिर्च डालूंगी, कटे हुए लहसुन डालूंगी। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए अच्छे से। देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो गया है, भून गया है सारे प्याज एक साथ अच्छे से। और अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। मैं सारे मसाले एक साथ डाल रही हूँ। मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ, ज़्यादा इसको भूनना नहीं क्योंकि मैंने सूखा मसाला यूज़ किया है, तो मैं 1 से 2 मिनट ये इसको अच्छे से चलाऊँगी। अब मैं इसमें सब्जी डालूँगी। आलू मटर डाल दिया है, अब मैं इसको चलाऊंगी थोड़ा सा। जिसे चला लिया है, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिल गया है, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। सारी सब्जियों को अच्छे से चला लेते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम बंद कर देंगे। सब्जी जब अच्छे से भून जाती है तभी सब्जी अच्छी लगती है।
सब्जी अच्छे से भुन गई है और मैं बस इसको चला लेती हूँ थोड़ी देर, और मसाला मेरा हल्का हल्का चिपक रहा है तो मैं इसको छुड़ा लूँगी। और अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूँगी। थोड़ा सा चला लेती हूँ इसको, अच्छे से मिला लेते हैं। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। अब मैं इसको आधा खुला करके बंद कर दूंगी, 5 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगी। मैं इसको चेक कर लेती हूँ, देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। मैं आलू काट के चेक कर लेती हूँ, देखिए सब्जी मेरी अच्छे से बन गई है। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी, मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी। और ये रोटी और चावल दोनों के साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कटोरी में निकाल लिया है सब्जी और साथ में रोटी भी सेक ली है, तो मैं इसको रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू, बाय बाय।